GFR लेवल कैसे बढ़ाएं? GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से आपको किस बात की जानकारी मिलती है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आज हम ऐसे सवालों के जवाब के साथ आपके सामने आए हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए। हेलो एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्म आयुर्वेदा। जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं, ऐसे ही आज हम आपके लिए एक जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपने आज के विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का विषय और सबसे पहले जानते हैं कि GFR होता क्या है। GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपको बताता है कि आपकी किडनी कितने प्रतिशत ब्लड को साफ कर रही है, यानी कि जब आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो उसका क्या लेवल है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को सामान्यतः 5 लेवल में बांटा गया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का पता KFT टेस्ट में चलता है, जिससे इस बात का पता चलता है कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट क्या है। अब आपको बताते हैं कि ये 5 लेवल कौन से हैं। पहला चरण, जिसमें किडनी ब्लड को 90 से 120 मिलीलीटर पर मिनट तक फिल्टर करती है, इससे ये पता चलता है कि आपकी किडनी ठीक तरह से काम कर रही है। इसके बाद दूसरे चरण में किडनी 60 से 90 मिलीलीटर पर मिनट की दर से आपके ब्लड को फिल्टर करती है, और ये किडनी में खराबी की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन कई बार ये संकेत नज़र नहीं आते, इसलिए किसी को इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि उनकी किडनी में खराबी हो सकती है। तीसरा चरण, जिसमें किडनी की फिल्ट्रेशन रेट 30 से 60 मिलीलीटर पर मिनट हो जाती है, और यहाँ पर आपके शरीर में किडनी खराबी को लेकर कुछ बदलाव नज़र आ सकते हैं। अगले चरण में आपकी किडनी ब्लड को 15 से 30 मिलीलीटर पर मिनट की दर से साफ करती है, और इसमें आपके शरीर में परेशानियां ज़्यादा दिखने लगती हैं। और आखिर में 0 से 15 मिलीलीटर पर मिनट, जब आपकी किडनी इस लेवल पर आ जाती है तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो ये है किडनी के फिल्ट्रेशन रेट, जो आपको ये बताते हैं कि आपकी किडनी आपके ब्लड को कितने प्रतिशत तक साफ कर रही है। तो चलिए अब जानते हैं GFR को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आपका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तभी आपकी किडनी के काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले डाइट पर ध्यान दें, जिसके लिए आप साधारण खाना खाएं जिसमें अधिक तेल मसाला ना हो। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में ना तो अधिक नमक लें और ना ही अधिक शुगर, क्योंकि ऐसी डाइट आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का मरीज बना सकती है, जो आपकी किडनी खराबी का प्रमुख कारण होते हैं। जिस डाइट में प्रोटीन ज़्यादा हो, खासतौर पर नॉन वेज, इनका इंटेक लिमिटेड अमाउंट में ही करें, क्योंकि ऐसी डाइट आपकी किडनी के काम में प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि शरीर में ज़्यादा प्रोटीन क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है, जो आपके GFR के स्तर को कम कर सकता है। खाना बनाने में आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करें, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में। जंक फूड, स्पाइसी फूड और प्रिजर्वेटिव फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसी डाइट आपके GFR लेवल को कम कर देती है, जिससे किडनी में खराबी आ सकती है। इसके साथ ही आप अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये दोनों आपके GFR लेवल को कम कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके अलावा आप किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो आपके GFR को बढ़ा सकती हैं। आप ऐसे फलों को अपनी डाइट में शामिल करें जो GFR फ्रेंडली हों, यानी कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी ना बढ़े, जैसे सेब, नाशपाती, पपीता, अमरूद और बेरीज। इसके बाद आप सब्जियों में घिया, टिंडा, तोरई, परवल, हरा कद्दू, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ले सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके अपने GFR लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल कर सकते हैं, इससे भी आपका GFR लेवल इंक्रीज होगा और आप किडनी में खराबी की समस्या से दूर रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्म आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं? नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? नेपाल से काठमांडू। काठमांडू में कहाँ से?
ललितपुर जो ही है बताएगा, अपने वर्ड्स में बताइए क्या क्या फर्क है आपको अभी नेपाली दा अभी क्या क्या इम्प्रूवमेंट है आपको? सर हिसाब तो जो हिसाब है पहले थोड़ा थोड़ा नेपाली खाना है अब अलग बढ़िया आउँछ पैसा बढ़िया आउँछ और क्या क्या रिजल्ट है तो सब ठीक है ठीक है पैसा भी ठीक है सर प्रेशर प्रेशर पहले पैसा पहले अभी बढ़िया दिक्कत अभी ठीक है ठीक ये रिपोर्ट्स हैं इनकी इन्होंने रिपोर्ट्स कराई हैं ये नेपाल की रिपोर्ट है ललितपुर की 5.2 इनका क्रिएटिनिन था जब ये आए थे इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था उसके बाद इनका क्रिएटिनिन घट के हुआ 5 हर 15 से 20 दिन में इन्होंने रिपोर्ट कराई है उसके बाद इनका क्रिएटिनिन घट के हो गया 4.69 हो गया क्रिएटिनिन सारी नेपाल की ही रिपोर्ट्स हैं ये फिर क्रिएटिनिन का घट के हो गया 4.45 और उसके बाद इनका क्रिएटिनिन हो गया 4.32 क्रिएटिनिन जो है वो रेगुलर इनका डिक्रीज कर रहा है अभी जो हो गया वो हो गया 4.23 उसके बाद इन्होंने फिर 15-20 दिन में रिपीट कराई 3.74 क्रिएटिनिन हो गया रत्ना महाजन नेपाल की रिपोर्ट्स रेगुलर ये करा रहे हैं चेकअप उसके बाद फिर इन्होंने कराया 3.60 हो गया रत्ना महाजन नेपाल की रिपोर्ट्स फिर क्रिएटिनिन डिक्रीज हुआ इनका अभी इन्होंने लेटेस्ट कराया है आने से पहले 3.60 के आसपास इनका क्रिएटिनिन है और इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है यानी कि इनका जो क्रिएटिनिन था जब ये स्टार्ट करा था ये 5 था बीइंग अ प्रोग्रेसिव डिजीज इट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय इटसेल्फ क्रिएटिनिन जो है वो अपने आप में बढ़ता चला जाता है बिकॉज किडनी का फर्दर डिटोरिएशन होता चला जाता है इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा नहीं है और सेकेंडली इनका क्रिएटिनिन जो है वो रिड्यूस हुआ है 5 से शुरू हुई थी अभी 3.56 के आसपास इनका क्रिएटिनिन आ चुका है और अभी इनका ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें साथ ही जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।